Take out illustration number 42. Illustration number 42, page number 3.53. क्या कह रहा है? ब्रिजेश, शाहरुख एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. देयर बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 2016 इज एज फॉलोज. ये बैलेंस शीट दे रखी है. द पार्टनर एग्रीड डेट ऑन 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:4:1. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस. Provision for doubtful debts to be increased by 1500. Furniture is to be depreciated by 20% and plant by 15%. 3500 are outstanding for salary. Building is to be valued at 3,50,000 and goodwill is to be valued at 45,000. Partner do not want to record the alter value of asset and liabilities in the books. Partnership firm क्या चाहती है कि जो revalue figures है asset and liabilities के, इसको balance sheet में वो show करना नहीं चाहते. And want to leave the reserve and profit undistributed, और reserve and funds को भी distribute करना नहीं चाहते. Right? You are required to pass a single journal entry. अपन को एक single journal entry pass करनी है और साथ में क्या बना के बतानी है? Revised balance sheet बना के बतानी है. Right? इसकी एक सिंगल एंट्री पास करके अपन को इसकी एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो अपन न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, उस न्यू बैलेंस शीट में अपन को न्यू वैल्यूज को शो नहीं करना. जो ओल्ड वैल्यूज हैं उन्हीं को अपन को क्या करना है? शो करना है. ठीक है, यहां पर एक तो आपका वर्किंग नोट बनेगा और एक अपन बनाएंगे. अब क्योंकि न्यू वैल्यूज को तो शो करना नहीं है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा. यहां पे एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. और अपन को रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है. ये तो हमारा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर. पार्टनर्स कौन है? ब्रिजेश, चारू और दिलीप. पर्टिकुलर ब्रिजेश, चारू और दिलीप. ये हमारी बैलेंस शीट. लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. अब देखो, जब क्वेश्चन में लिखते हैं कि अपन चेंज इन पीएसआर है और अपन जो रिवाइज वैल्यू है उसको अपन बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे. एक वर्किंग नोट अपन बनाएंगे. इस तरीके से एक वर्किंग नोट बनेगा. अब देखो, सबसे पहले आपको क्या दे रखे हैं? लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करो. सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दे रखे 87,000 के, तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या? देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर. देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर. तो उसको सेम वैल्यू पे लिख देंगे अपन. क्रेडिटर कितने के? 87,000 के. उसके बाद आपको दे रखा है रिजर्व. तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो अपने रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को भी मतलब अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं, मतलब उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते. ठीक है ना?
तो अब इस वर्किंग नोट में आप लिखोगे रिजर्व। यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है उसको तो अपन ऐड करेंगे और हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं उसको इसमें से माइनस करके नेट फिगर अपन निकालेंगे। तो रिजर्व तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे रिजर्व। कितने का रिजर्व है? 42,000 का। और रिजर्व को ये चेंज तो करना नहीं चाहते, तो बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा रिजर्व कितना है 42,000 का। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका? 21,000। और इसको बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 21,000। फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, तो उसको अपन कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 3 लाख। 3 लाख और 50,000। 3 लाख, 3 लाख और 50,000। ठीक है, अब देखो कैश आपको दे रखा है कितना? 30,000 का। तो इसको भी बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे कैश। कैश आपका कितना दे रखा है? 30,000 रुपीज का। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं डेटर्स। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 1500। हमें अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करना है। हमें अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है? 1500 से। तो प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है, प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है ना, और लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब ये आपका क्या है? लॉस है। ये आपका क्या है? लॉस है। तो अपन यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन कितना? प्रोविजन इंक्रीज हो गया 1500, तो ये आपका लॉस है, तो यहां पे इसको माइनस करेंगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे अपन डेटर्स, क्योंकि अपन जो रिवाइज वैल्यू उसको तो शो करना नहीं चाहते, तो डेटर आ जाएंगे 62,000 के। और प्रोविजन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 2,000। अपन को ओल्ड वैल्यू को ही दिखाना है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक है 1,80,000 का, तो स्टॉक पे एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। हमें अपने स्टॉक को 20% कम वैल्यू करना है, मतलब आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 20%। तो स्टॉक आपका असेट है, तो असेट की वैल्यू कम हो रही है, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है असेट की वैल्यू, तो मतलब लॉस हो गया आपको। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब ये आपका लॉस है, तो आप यहां पर लिखोगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया स्टॉक? 20%। कितना परसेंट? 20%। तो 20% ऑफ 1,80,000 कितना होता है? 36,000। तो ये आपका लॉस है, तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन जो हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू लिखनी है, तो ओल्ड वैल्यू कितनी है? 1,80,000। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर आपको दे रखा है 30,000 रुपीज का। फर्नीचर आपको दे रखा है कितना? 30,000 रुपीज का। तो फर्नीचर के लिए क्या कह रहा है? इस टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर की वैल्यू भी 20% डेप्रिसिएट हो गई, तो असेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है मतलब ये लॉस है आपका। असेट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है मतलब ये आपका लॉस है, तो अपन यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन फर्नीचर। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन फर्नीचर कितने का लॉस है फर्नीचर में? 20% और 30,000 कितना होता है? 6,000। लेकिन जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको अपने असेट्स की पुरानी वैल्यू शो करनी है, तो फर्नीचर कितना दे रखा है? 30,000 का। नेक्स्ट प्लांट आपको दे रखा है 2,00,000 का। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ प्लांट इज डेप्रिसिएटेड बाय 15%। वैल्यू ऑफ प्लांट इज डेप्रिसिएटेड बाय
15%. So 15% of 2 lakh is 30,000. 15% of 2 lakh is 30,000. तो प्लांट हमारा असेट है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मतलब कि आपका लॉस है. तो अपन यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट कितना, 2 लाख का प्लांट है, 15% कम हो गया, मतलब 30,000, मतलब 30,000 रुपीज का क्या हो गया आपका लॉस हो रहा है प्लांट पे. लेकिन जो बैलेंस शीट है उसमें ओल्ड वैल्यू इश्यू करनी है, तो ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट इज 2 लाख. ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट इज 2 लाख. नाउ बिल्डिंग आपको दे रखी है 3 लाख की. तो पॉइंट नंबर 5, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000. तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 3 लाख, और अब अपन ने रिवैल्यू किया तो कितने की निकली 3,50,000. यानी आपकी बिल्डिंग पे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 50,000. तो बिल्डिंग आपकी असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉफिट. तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना 50,000. कितना 50,000, राइट. नाउ स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, प्रोविजन हो गया, फर्नीचर और प्लांट हो गया. अब क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 4 में, 3,500 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है. 3,500 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट में तो नहीं है, बट ये अब उनको पे करनी है. तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है. लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने से आपको लॉस होता है. लायबिलिटी के इंक्रीज होने से आपको क्या होता है, लॉस होता है. तो यहां लिखेंगे लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 3,500. लेकिन अपन को अपनी बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना, तो इसलिए अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी. हमको अपनी बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगी. यहाँ पे अपन बिल्डिंग की वैल्यू लिखना भूल गए थे. बिल्डिंग की भी वही ओल्ड वैल्यू लिखनी है अपन को, कितना 3 लाख, राइट. नाउ पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 हो गए, 5 हो गया, 6 गुडविल. तो अपन ने गुडविल का वैल्यूएशन करा, तो गुडविल भी हमारी असेट एक तरीके से असेट आ गया. कितने का, 45,000 रुपीज का, ठीक है. सारे एडजस्टमेंट कर लिए अपन ने, सारे एडजस्टमेंट कर लिए. अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसका अपन नेट बैलेंस निकालेंगे. तो जो विदाउट ब्रैकेट है उनको तो ऐड करेंगे, और जो ब्रैकेट में उनको डिडक्ट करेंगे. तो ये आपका एडलेस करने के बाद आ रहा है 81,000. ये आपका प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका कितना 81,000. ये सब एडलेस करने के बाद ये कितना आ रहा है आपका 81,000 आ रहा है, ठीक है. अब अपन इसका निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो कौन कौन थे पार्टनर, ब्रिजेश, चारू और दिलीप. ब्रिजेश, चारू और दिलीप. तो ब्रिजेश का ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, चारू का कितना है 2/6, और दिलीप का कितना है 1/6. माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है इसका 4/9, इसका कितना है 4/9, और इसका कितना है 1/9. तो इसका एलसीएम आएगा 609 का एलसीएम कितना आएगा 54. 6 को 54 से डिवाइड करें कितना आएगा 9. या इसका एलसीएम अपन 6 को 54 से डिवाइड करें 9. 9 3 जा 27. 9 को 54 से डिवाइड करें कितना आएगा 6. 6 4 जा 24. सो 27 माइनस 24. कितना आ रहा है ये 27 माइनस 24, 7 में से 4 के कितना आ गया 3/54. मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है. इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ रहा है 54. 6 9 जा 9 2 जा 18. 9 6 जा 6 4 जा 24.
सो 18 माइनस 24 कितना होगा 6, 18 माइनस 24 कितना हो गया 6, लेकिन ये माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का 6 बाय 54, मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसका भी एलसीएम 54 आएगा, 6 को 54 से डिवाइड करा कितना आ गया 9, 9 को 1 से गया 9, 9 को 54 से डिवाइड करा 6, 6 को 1 से गया 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3 बाय 54, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो चारू है वो तो गेन कर रही है, और बाकी जो ब्रिजेश और कौन है हमारे दिलीप, वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि चारू ने 6 बाय 54 प्रॉफिट परचेज करा है, किससे परचेज करा है, ब्रिजेश और दिलीप से, तो अब उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कौन गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, चारू, तो चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक तो ब्रिजेश, तो टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट, टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट, और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, दिलीप, तो टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, कैसे निकालेंगे अमाउंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये जो अपन ने नेट प्रॉफिट निकाला था ना 81,000 का, इससे, तो इनटू 81,000, इनटू 81,000, तो ये आएगा आपका कितना 81,000 तो ये आ रहा है आपका कितना 4,500, इसका आ रहा है 4,500, इसका आ रहा है आपका कितना 9,000, और इसका आ रहा है कितना 4,500, तो एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कौन गेन कर रहा है, चारू गेन कर रही है, तो चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर है चारू का, कितना निकाला ये 9,000, टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ब्रिजेश, कितना 4,500, ब्रिजेश का कितना निकाला 4,500, एंड टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, दिलीप का कितना निकाला 4,500, तो जब जब अपन अपनी जो असेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करते, तो इस तरीके से ये नेट एडजस्टमेंट एंट्री अपन क्या करते हैं, पास कराते हैं इस तरीके से वर्किंग नोट बना के। अब चारू के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कराए, चारू के कैपिटल अकाउंट को क्या कराए, डेबिट कराए किससे, ब्रिजेश और दिलीप से, तो चारू के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट, टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट, कितने से किया था चारू को 4,500, एंड टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, कितना 4,500, और ब्रिजेश और दिलीप के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए, ब्रिजेश और दिलीप के कैपिटल अकाउंट को क्या कराए, क्रेडिट कराए किससे, चारू से, तो यहां लिखेंगे बाय चारू कैपिटल अकाउंट, बाय चारू कैपिटल अकाउंट, तो ब्रिजेश को कितने से किया है 4,500, और दिलीप को कितने से किया है 4,500, ठीक है। अब इसका बैलेंस निकालेंगे तीनों पार्टनर्स का, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो ये ब्रिजेश का आ रहा है कितना 3 लाख, बैलेंसिंग फिगर 3,04,500, चारू का कितना आ रहा है 2,91,000, और दिलीप का आ रहा है कितना 54,500, 54,500, तो यहां लिखेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप, ब्रिजेश चारू एंड दिलीप, कितना है 3,04,500, 3,04,500, 2,91,000,
एंड 54,500 और ये बैलेंस शीट आपकी खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से चेंज इन पीएसआर में जब हम अपने असेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करते तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन होके इस तरीके से ये नेट जर्नल एंट्री क्या होती है, पास होती है। समझ में आ गया क्वेश्चन?